हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी AMR, SSR और AA के बारे में। अच्छा गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका एग्ज़ाम जो था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि AMR, SSR और AA का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और आज और कल जो पोस्टपोन हुए थे एग्ज़ाम वो चलेंगे। दैट मीन्स कि कल तक जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद रिजल्ट आएगा, फिजिकल होगा इस वैकेंसी के लिए जो कि SSR और AA के लिए फरवरी 2020 बैच है और AMR के लिए अप्रैल 2020 बैच है। दोनों के लिए अलग अलग है। अच्छा, आप लोगों के सवाल उसी दिन से आने शुरू हो गए थे जब शायद आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा उसी दिन से, कि नेक्स्ट वैकेंसी क्या आएगी, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सारी डिटेल्स कन्फर्म होगी, जो भी मैं बताऊँगा वही डिटेल्स होंगी इसमें, कि डेट ऑफ बर्थ भी बताऊंगा, कब तक आपको वैकेंसीज की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आपका भी इनमें से कोई डाउट है, आप भी फिर से प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जान लें कि कब से जो है वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा और एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। और जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो सिलेबस होगा वो जल्दी मैं स्टार्ट करवाऊंगा इस बार, क्योंकि अगर कवर करना है आपको तो कुछ टाइम पहले से ही स्टार्ट करना बेहद ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें इस पर बात करने वाला हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी ही अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज़ के बारे में। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि AMR, SSR और AA, इनकी जो वैकेंसीज़ होती हैं वो एक साल में दो बार इंडियन नेवी रिलीज़ करती है, और छः छः महीने के अंतराल पे, यानी कि दो वैकेंसीज़ तीनों के लिए आती हैं। ठीक है, ये आप लोग सभी लोगों को पता होगा, दो बार एग्ज़ाम होता है एक साल के अंदर। तो अभी के लिए अगर बात की जाए तो ये लास्ट वैकेंसी थी इस ईयर में। ठीक है, अब नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी तो उसके लिए क्या होगा, SSR और AA के लिए अगस्त 2020 बैच और AMR के लिए अक्टूबर 2020 बैच, इन दोनों के लिए जो बैच होगा नेक्स्ट वैकेंसी का वो यहीं रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, अभी जो वैकेंसी रिलीज हुई थी उसका एग्जामिनेशन सितंबर में हुआ, तो नॉर्मली अगर बात की जाए तो इनका एग्जाम, जब नोटिफिकेशन दोनों की बात की जाए तो जो फर्स्ट नोटिफिकेशन होता है वो दिसंबर जनवरी में रिलीज होता है, जिसका एग्ज़ाम फरवरी और मार्च में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उसके बाद जो आपका सेकंड होता है वो रिलीज़ होता है जून जुलाई में, जिसके लिए एग्ज़ाम आपका होता है अगस्त और सितंबर में। मोस्टली जो है एग्ज़ाम फरवरी में फर्स्ट के लिए, और सेकेंड के लिए वैकेंसी की बात की जाए तो आपका हो जाता है सेप्टेम्बर में, इसी मंथ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इस तरीके से इसका जो है, अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन पे और वहीं पे बात करेंगे इसके डेट ऑफ बर्थ के बारे में। सबसे पहले हम SSR को देखेंगे, उसके बाद AA को, उसके बाद AMR के लिए चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम SSR के पिछले नोटिफिकेशन पे। तो गाइज, ये देख रहे हैं आप लोग, आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन किस चीज़ का है, ये है SSR और AA की जो पिछली वैकेंसी थी, यानी जिसके लिए अभी एग्ज़ाम हुआ फरवरी 2020 बैच के लिए, उसका यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर इनरोलमेंट एज सेलर फॉर आर्टिफिशियर अप्रेंटिस AA एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट SSR। तो गाइज, अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है ये, तो देखिए यहाँ पे AA के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो AA में देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्वालिफाइड इन 10+2 एग्जामिनेशन विद 60% और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट विद मैथ एंड फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। तो देखिए, आपका अगर AA में है जाने का इच्छा, तो आपके लिए क्या करना होगा, आपका 10+2 क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स के साथ। अच्छा, इसमें भी एक कंडीशन है कि आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, कंपलसरी है जो आपका आपने पढ़ाई करी है उसमें, और साथ ही साथ ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए इन तीनों में से, क्या है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से एक होना चाहिए, और मैथ और फिजिक्स आपका होना ही चाहिए, तभी आप जा सकते हैं 60% या उससे अबव मार्क्स के साथ में। अच्छा, अब SSR के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, क्वालिफाइड इन 10+2 एग्जामिनेशन विद मैथ एंड फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट, इसमें भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस है।
तो अगर आपको SSR में भी जाना है तो आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए, साथ ही साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपके लिए होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्रिटेरिया आपने देखा होगा मिसिंग है और वो नहीं है। SSR में अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया, यानी कि जैसे यहाँ पे दिया गया 60% और मोर मार्क्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपका जो कितना भी परसेंटेज हो एग्रीगेट में, उससे मतलब नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आएगा अगर आपके ये सब्जेक्ट्स हैं और अगर आपने जो 10+2 कंप्लीट करा है तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो 60% है, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या मैथ, फिजिक्स और ये जो एक सब्जेक्ट है इन्हीं को लेकर होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, आपका एग्रीगेट में 60% या उससे अबव होना चाहिए, चाहे वो पांच सब्जेक्ट में जितना भी आपका हो, 61%, 60%, 62%, ये मायने रखता है, ठीक है, ये इस तरीके से है। अच्छा, अब थोड़ा हम बात करें एज के लिए, तो यहाँ पे एज में देखिए, ये पिछली वैकेंसी है तो उसके लिए है, कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 फरवरी 2000 टू 31 जनवरी 2003, यानी कि 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2003 के बीच में, ये पिछली वैकेंसी में थी डेट ऑफ बर्थ। अगर इस वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें अगर आप 6 महीने को ऐड करते हैं तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, यानी अपर एज के लिए आपका हो जाएगा 1 अगस्त 2000 से लेकर के, ठीक है, आपका 31 जुलाई 2003, ये अगर आप ऐड करके इसमें 6 महीने को देखते हैं तो आपका आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट वैकेंसी निकलेगी तो उसमें जो आपकी एज होगी वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 1 अगस्त 2000 से लेकर के 31 जुलाई 2003 के बीच में हो, और इसके बीच में जो कैंडिडेट्स होंगे वो लोग ही एलिजिबल होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आप किस पोजीशन पे हो, आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि एज में जो डेट्स हैं उनमें फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जो ये ईयर है और ये सब चीज़ें हैं इनमें बहुत कम चांस है कि चेंजेस हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इंडियन नेवी और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया गया है कि अब जो एज है वो 21 से कम करके 20 कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है। बाकी जो आपके अंदर डाउट हो वो आप कमेंट में भी कमेंट करके बोल सकते हो। अच्छा, ये तो हो गई अब SSR और AA के लिए बात, इसमें अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन होगा कब तक रिलीज हो सकता है। तो इधर आते हैं हम थोड़ा नीचे, नीचे आने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए थी इसके लिए तो 10 जुलाई 2019 और स्टार्टिंग डेट यहीं पे जून से ही थी। अब पूरा याद नहीं है, यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो दिखेगा भी, 28 जून से, देखिए 28 जून 2019 से लेकर के 10 जुलाई 2019 के बीच में ये जो डेट इसके लिए थी, जो पिछली वैकेंसी थी। तो यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी दिसंबर में इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो जारी होगा, और मे बी जैसा कि आप लोगों को पता है कि AMR में कुछ रीजन्स की वजह से लेट हुआ था, वरना तीनों साथ ही अप्लाई होने के लिए आता, लेकिन मे भी हो सकता है कि फिर से वही हो कि 10-20 दिन के बाद उसके लिए रिलीज हो नोटिफिकेशन, और इस तरीके से आपका दिसंबर और जनवरी में इन दोनों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होगा और बाकी चीज़ें होंगी। अब चलते हैं हम AMR की तरफ और उसके क्रिटेरियाज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो इस अब आपकी स्क्रीन पर है ये इंडियन नेवी AMR अप्रैल 2020 बैच का जो था वैकेंसी उसका नोटिफिकेशन, और यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं इसके क्रिटेरिया के बारे में। तो 400 के आसपास वैकेंसीज होती है, हमेशा से इसके नोटिफिकेशन में लिखा होता है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम दी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाई MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मैट्रिक कंप्लीट होना चाहिए, 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, कितने भी परसेंटेज हो वो मायने नहीं रखते हैं, पहले मायने रखते थे, अब नहीं, अब सभी लोग शॉर्टलिस्टेड होते हैं और जो लोग भी फी पे करते हैं उन लोगों का एडमिट कार्ड आ जाता है, इजीली आ जाता है। अच्छा, ये तो यहाँ पे हो गया। अब सेफ के लिए अलग है और स्टेवार्ड है, हाइजेनिस्ट है, इसमें 3 पद होते हैं नॉर्मली और सबका अलग अलग काम है। सेफ का है खाना बनाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, स्टेवार्ड का है जो वो खाना को सर्व करते हैं उसके लिए, और हाइजेनिस्ट जो होता है इसमें आपको अलग अलग जो वहाँ पे साफ़ सफाई होता है उन सब चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। तो ये तीनों पद इसके लिए हैं, 10th लेवल की जॉब है, आप लोगों को पता है। अब इसके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करते हैं, तो एज क्रिटेरिया में आते हैं, तो कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2000 से लेकर के 31 मार्च 2003, यानी कि जो पिछली वैकेंसी थी उसमें यही क्रिटेरिया था, क्या था, 1 अप्रैल 2002 31 मार्च 2003, इन दोनों के बीच में जिनके भी डेट ऑफ बर्थ थे उन्होंने अप्लाई करा था पिछली वैकेंसी में, जो कि अभी एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है 21 को,
तो ये चीज़ें थी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर 4 मंथ को ऐड करते हैं इसमें यानी अप्रैल में, तो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, आप अप्रैल से 1 अप्रैल से अगर ऐड करते हैं 6 महीने को इससे आगे, तो आपका चला जाएगा अक्टूबर तक। अब यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 1st of October से लेकर के 1st of October और क्या हो जाएगा 2000 से लेकर के 31st of September 2003, ये इसके अकॉर्डिंग जो हम ऐड कर रहे हैं अगर 6 मंथ्स को, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यानी 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 31 सितंबर 2003 के बीच में जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी इसके अकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हो सकती है इसके लिए डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें डेट्स में डिफरेंस भी हो सकता है, ये मैं पूरा कन्फर्म नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ, लेकिन हाँ इसी के बीच में इसी डेट्स में आपका जो है नेक्स्ट वैकेंसी में भी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप खुद ही देख सकते हैं, बाकी जो होगा वो तो वैकेंसी आएगी तो आप लोगों को पता ही चलेगा। वैसे आप लोग पूछ रहे थे बार बार, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अब इसके लिए अगर अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को अभी इस बीच में जब वैकेंसी रिलीज होने वाली है, जितने टाइम भी बचे हैं, इसमें बहुत सारा एडिटेड वर्जन भी इसका मिलेगा, क्योंकि रोटियाँ तो सेकनी है ना, तो इसके लिए। तो चलिए, तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे अगर हम देखते हैं तो देखिए 26 जुलाई 2019 से लेकर के 1 अगस्त 2019 के बीच में ये जो अप्लाई होगा ये पिछली वैकेंसी का है, ठीक है। तो ये हुआ था 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में, काफ़ी कम समय दिया गया था और इसके अकॉर्डिंग हुआ था। तो अगर हम बात करें इस बार के लिए, अब पता नहीं क्या होगा, साथ में रिलीज होगा डबल ए और SSR के, क्योंकि जो इससे पहले वाली वैकेंसी थी यानी जो अक्टूबर 2019 बैच के लिए, उसमें तो साथ में ही तीनों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था दिसंबर महीने में। तो अभी भी इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि दिसंबर में ही जारी होगा, दिसंबर जनवरी में पक्का है कि इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगर लेट भी होता है SSR और डबल ए के बाद भी आता है, तभी उसी टाइम पे जो है इसके लिए वैकेंसी जारी की जाएगी इंडियन नेवी के द्वारा। तो ये सारी डिटेल्स हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है इस बार जो वैकेंसी में सारा कुछ। और अगर आपके मन में और भी कुछ कंफ्यूजन हो, और भी कुछ डाउट हो, तो आप मुझसे बिल्कुल बिना किसी हेसिटेशन के आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ क्लियर बताऊंगा। अभी के लिए तो यही सब आप लोग पूछ रहे थे और यही मुझसे बताना था। आई होप कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया हो, और बाकी आपके मन में जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सजेशन हो जिससे कि और भी अच्छा हो सकता है कंटेंट हमारा, तो ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ आप सजेस्ट कीजिएगा कि जो हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन की डेट्स होंगी और कब से हम तैयारी शुरू करें वो क्या हो सकता है, आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। काफ़ी चीज़ें मैंने सोच रखी हैं, लेकिन जब आप बताएंगे उसके बाद मैं रिवील करूंगा उन चीज़ों को। तो आप ज़रूर बताइएगा कि कब से हम तैयारी फिर से शुरू करें, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ। आप जब तक तैयार नहीं होंगे तो फिर मैं कितना भी तैयार हो जाऊं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, और जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अभी से सारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, और जिस तरीके से इस बार एग्ज़ाम हुआ है तो वो भी पता चल गया कि कैसे कैसे हमको तैयारी करना है, तो वो भी हम कर पाएंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा। बाकी ये सारी डिटेल्स थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो फिर से आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में यही बताना था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ। चैनल पर नया हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।